मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मंदीप और आप लोग आज पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल की एट्थ क्लास। क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल्स का अपना एट्थ सेशन है और 4-5 दिन बाद आप लोगों से मिलना हो पाया है। तो हम जल्दी जल्दी से अपना क्लास टेंथ का एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये बता रखा है कि इफ़ वी हैव गिवन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, वी हैव सम ऑफ रूट्स एंड वी हैव प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें यहाँ पे रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो हम प्रोसीड करते हैं। जैसा कि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू 1/4 रख दी, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। हमने क्या रख दिया, अल्फा इंटू बीटा -1 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले लिया, ठीक है। तो कोई दोस्तों इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम इसको कंपेयर कर लेंगे। b की वैल्यू कितनी आई, 1। ओके जी, माइनस बी की वैल्यू है ना, यहाँ माइनस होता है, माइनस बी की वैल्यू 1, इससे बी की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1। और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करके, 4। तो ए की वैल्यू हमने कितनी रख ली, 4। अब फ्रेंड्स जब इसको कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, वो तो ठीक है हमारा, बट ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी थी, 4। तो हम इसको करने 4 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 4 से, तो ए की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ गई, 4, यहाँ भी कितनी थी, 4। ए की वैल्यू सेम आ गई और सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -4। हमें इससे मतलब ही नहीं है, कुछ भी आ सकती है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -4। ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1। बस अब ऐसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने क्या बनाया, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -1। हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax2 + bx + c। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू 4, 4x² -+bx, b के लिए कितनी है, -1, तो -1 × x प्लस सी, सी के लिए -4, तो -4। हमारी क्वेश्चन क्या बनी, 4x² - x - 4। ओके, और इसके बाद देखिए हमारा एक दूसरा मेथड भी होता है कि अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड है, बट इसको आपको जनरली यूज़ नहीं करना क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा ये रूट वाला पूरा प्रोसेस आपका समझा रखा है। बट आप देख लीजिए एक बार चेक करने के लिए सेकंड मेथड क्या होता है। इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो x² - sum of products (x) + product = 0, ये ध्यान रखना इक्वेशन, x² - sum of products (x) + product = 0। x² - sum of product कितना दे रखा है, 1/4, तो हमने लिखा 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, -1, हमने क्या लिखा, -1, ठीक है। इनके सबके नीचे क्या ले लिया, डिनोमिनेटर में 1, इधर भी क्या लिया, 1, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके एलसीएम को सेम कर लेते हैं भाई, इधर 4 करने के लिए इसको 4 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 4 करने के लिए इसको 4 से इंटू करेंगे, तो क्या बनेगा, 4x² - x - 4 / 4 = 0। और ये 4 यहाँ जाके 0 बन जाएगा, तो क्वेश्चन ये बनेगी 4x² - x - 4, और यहाँ भी कितनी थी, 4x² - x - 4, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ और ये आपका क्या हुआ, सेकंड मेथड। तो इन दोनों में से आप कोई से भी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में जनरली ये मेथड यूज़ हो रखा है अपना पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग एग्ज़ाम में इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अपने एक दो और पार्ट इसके, इसी क्वेश्चन के एक दो और पार्ट्स के साथ। थैंक यू।